परिपेक्ष में हम आजकल जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी का वर्णन लोगों हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में है। रामायण काल से महामारी का वर्णन आता है, ठीक है ना। तो महामारी का जो संस्कृत वर्ड है उसे कहते हैं जनपद उध्वंस, जनपोध्वंस, जहां पर पूरा का पूरा जनपद ही विनाश हो जाए, जनपद उध्वंस। तो रामायण के अंदर भी जब महर्षि विश्वामित्र दशरथ के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हे महाराज, आने वाला समय खराब है आपके लिए और लोगों से लोगों में ज्वर होगा, एक के बाद एक ज्वर फैलेगा, फीवर होगा, तो आप इस महामारी से बचने के लिए उपाय करें। तो महाराज जी ने बोला क्या करें, तो वो कहते हैं दो चीजें ठीक रखें। पहला है अपना कर्म, कर्म के अंदर होम आदि आ गया, आपका जीवन, आहार विहार, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ समय पर धोइए, ये सब कुछ जीवन शैली के अंदर आता है। और दूसरा है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें। तो कैसे बढ़ाएं उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जीवन शैली की बात करते हैं कि देखिए, अगर आप बहुत से प्रोडक्ट्स का सेवन कर भी रहे हो, लेकिन यदि आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। इस बात को समझिए जरा। जीवन शैली में तीन चार चीजें आती हैं। पहले है आपका आहार, खाना कैसा हो, विहार, रहें कैसे, दिनचर्या, सुबह कैसी हो, रात्रि कैसी हो, ऋतुचर्या, मौसम कैसा हो, मौसम के हिसाब से कैसे जिया जाए। और इसके बाद जो चीज आती है वह है आपका चिंतन, आपका थॉट प्रोसेस, वो सही रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप पॉजिटिविटी से जिएंगे तो डेफिनेटली बहुत से लोग हैं जो जिनका खान पान भी ठीक नहीं होता लेकिन उनकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहती, बिकॉज देयर पॉजिटिव अबाउट लाइफ, देयर पॉजिटिव अबाउट द टाइम, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जब बात कर रहे थे आहार की, आहार में लोगों सबको बहुत सी कठिनाइयां भी रहती हैं। हमने कुछ सालों में अगर सत्यानाश अगर अपना किया है तो अपने किचन का किया है, रसोई घर का किया है। आज से 100-200 साल पहले जो हमारे रसोई घर में जड़ी बूटियां होती थी, मसाले होते थे, वह धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं। तो आप खुश किस्मत है कि एमवे उन्हीं जड़ी बूटियों को आपकी कबर्ड्स में, आपके किचन में फिर से लेकर आ रहा है। तो एक बार चैट के जरिए एमवे का थैंक्स करिए। आप खुश किस्मत है कि आप एमवे के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही जड़ी बूटियां जो विलुप्त हो गई थी, जो खत्म होती जा रही थी हमारे किचन से, वह आपके समक्ष आपके पास अब आ रही है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे लोगों अब इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। बहुत से लोगों में प्रश्न भी है कि कौन सी चीज कैसे ली जाए, किस प्रकार ली जाए, किसके साथ ली जाए, किस समय ली जाए, और किन किन रोगों में इसका और इफेक्ट होता है, जिससे आप अपने बिजनेस में इसकी वृद्धि कर सकते हैं। आपके सोशल इंटरेक्शन, आपका बिजनेस, आपका लोगों पर प्रभाव, तीनों चीजें इससे आपकी बढ़िया होंगी। तो ये हम कुछ बातें आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो लोगों पहले शुरुआत करते हैं हम तुलसी की। तुलसी, तुलसी का दूसरा नाम है विष्णु प्रिया। आप कॉपी पेंसिल लेकर अपने साथ बैठ सकते हैं, बहुत सी चीजें होंगी जो आप नोट करनी पड़ेंगी। तो लोगों पहली आती है तुलसी। तुलसी का दूसरा नाम है विष्णु प्रिया, वह जड़ी बूटी जो भगवान विष्णु के प्रिय हो। कोई तो ऐसी बात रही होगी कि हजारों सालों से हमारे जो ऋषि मुनि थे वह इसकी उपासना, इसकी पूजा कर रहे थे। कोई तो ऐसी बात होगी कि ये हर समय सुबह और शाम हमारे बुजुर्ग इसको जल दिया करते थे। उनको पता था कि अगर यदि कोई मोस्ट पोटेंट एंटीवायरल इस टाइम मार्केट में है तो वह है तुलसी। तो दोस्तों, तुलसी जो है रोग का संक्रमण रोकती है, और यदि रोग हो जाए तो उसको बहुत जल्दी खत्म करती है। रोग में कौन सा, जो लोग 6 महीने से या 1 साल से तुलसी का सेवन कर रहे हैं, सबको पता है कि आज आने वाले बीच में जो मौसम में वायरल होता था, या तो उनको नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो 3-4 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है बहुत जल्दी। नॉर्मल वायरल को 5 दिन से हफ्ता लगता है, लेकिन यदि आप तुलसी का सेवन कर रहे हैं तो आपने खुद महसूस किया होगा कि आपकी इम्यूनिटी में वृद्धि हुई है। लोगों, दोस्तों, तुलसी का जो इफेक्ट है वह आपके नाक से लेके आपकी छाती का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर बहुत अच्छा मिलता है। नाक में होने वाला नजला जुखाम, गले में होने वाला खराश, सोजिश होना, गला खराब होना, बार बार बलगम जमना, उसी तरह छाती के ऊपरी हिस्से में खांसी के साथ साथ जो बलगम होती है,
जो लगातार बार बार मौसम के साथ हो रही हो, बहुत लोगों में डस्ट की एलर्जी वगैरह हो रही हो, तो ऐसे में तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। तो लोगों को मैं ये भी बोलता हूँ कि तुलसी का सेवन आप कैसे करें। जहां भी मैं जाता हूं लोगों, आप ये जो नुस्खा, जो योग मैं आपको बताने लगा हूं, ये आप नोट कर सकते हैं। आप गर्म दूध में या ल्यूक वॉर्म मिल्क के अंदर एक चम्मच मोटी सौंफ कहते हैं मोरी को बंगाली में, मोरी, एक चम्मच मोटी सौंफ, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको यदि आप दूध के अंदर उबाल कर उस दूध के साथ तुलसी का सेवन करेंगे, तो लोगों, जिन लोगों को नजला जुखाम रहता हो, जुखाम रहता हो और साइनस का प्रॉब्लम हो, बार बार लगातार नाक चलता हो, तो इमीडिएट रिलीफ आपको मिलेगा, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूं, एक चम्मच मोटी सौंफ, सौंफ कहते हैं मोरी बंगाली में, MORI, और थोड़ी सी दालचीनी और एक छोटी इलायची, इसको पीसकर आप दूध के अंदर उबाल के यदि आप लेंगे, तो उसके साथ तुलसी का सेवन सुबह करें और शाम करें। संयुक्ता रॉय जी, यस, मोरी सौंफ, तो यदि आप इसका सेवन सुबह करेंगे और शाम करेंगे, तो आपकी टारगेटेड जो इम्यूनिटी है उसमें बहुत अच्छा असर आपको मिलने वाला है। अब लोगों, अब एक बात समझे जरा, आयुर्वेद में हमेशा कॉम्बिनेशन का बात होता है। कॉम्बिनेशन मतलब यदि आप खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें चावल डलेंगे, दाल डलेगी, जीरा डलेगा, प्याज डलेगा, तो इनका एक खुद का कॉम्बिनेशन से एक सब्जी अच्छी तैयार होती है, आपके शरीर में इसका अच्छा असर डलता है। उसी प्रकार आयुर्वेद में आपका फॉर्मूला क्या है, आपका नुस्खा क्या है ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो कोई भी चीज का अगर आप दूसरी कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो उसका असर दुगना करती है। तो लोगों, यहीं पर हमारा, यस, रमजान अली खान, सभी जितने जिन लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अभी क्वेश्चन अभी मत लिखिए, लेकिन आप क्वेश्चन आप बाद में लिखेंगे तो सबको मैं रिप्लाई करूंगा। ये जो मौरी और इलायची और जो मैंने दालचीनी अभी बताया है, इसको मिक्स करके दूध में उबालना ही है, ठीक है ना। तो अब जो अगला जो हम प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वह उसका मिलता जुलता इफेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन जिसको हम कर रहे हैं, जो एक दूसरे के पूरक है, वह है रेस्पिरेटरी केयर। अब सारे सबके दीपक, सबको सबका जवाब दिया जाएगा। तो रेस्पिरेटरी केयर के अंदर दोस्तों तीन चीजें डलती हैं, वसाका, मुलेठी और सुरसा। वसाका लोगों एक मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है और इसका जो फूल होता है वह शेर के समान, इसका मुख होता है शेर के समान, मुंह होता है इसका, फेस होता है उसका, तो इसका दूसरा नाम है सिंहासन। और यही हम आयुर्वेद में कहते हैं कि जैसे शेर की गर्जना से काफी चीजें पिघलती हैं, उसी तरह वासा जब आप यदि उसको लेंगे तो आपकी छाती में जमा हुआ कफ पिघलना शुरू कर देता है। बहुत से लोगों को खांसी होती है और वासा जो है इमीडिएट आपके जो रिफ्लेक्स चलता है खांसी का जिसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं, उसको इमीडिएटली शांत करता है। जितनी भी आयुर्वेद की कफ सिरप है उन सब में वसाका डलता है, इस बात को समझिए। तो वसाका का बेसिक काम है आपके कफ के रिफ्लेक्स को खत्म करना, और क्वांटिटी ऑफ दालचीनी, इलायची, मैडम मैंने आपको बताया दालचीनी थोड़ी सी, इलायची एक और एक चम्मच मोटी सौंफ आप ले सकते हैं। आप क्वेश्चन अभी मत पूछिए, बाद में हम उनका जवाब लेंगे। तो दोस्तों, अगली जो द्रव्य आता है रेस्पिरेटरी केयर में वह है मुलेठी। मुलेठी बहुत सी जगह इसको ज्येष्ठी मध भी कहते हैं, मधुज्येष्ठी भी कहते हैं, और बहुत से लोगों मुलेठी ने चबाया भी होगा। ये थोड़ी ठंडी होती है, शीतल होती है, मिठास लिए होती है, और लोग दोस्तों मुलेठी का सबसे अच्छा काम हमारी सूखी खांसी के ऊपर आता है। सूखी खांसी मतलब जब आपकी खांसी 10-15 महीने, 2 महीने पुरानी हो जाए और ना हटे, नॉर्मल खांसी भी आपकी सूखी खांसी में परिवर्तित हो जाती है। और आपको बताऊं, जैसे आजकल COVID-19 कोरोना चल रहा है, तो इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वह है सूखी खांसी का। तो लोगों, सूखी खांसी बहुत मुश्किल से ठीक होती है, बट आपको जानकर खुशी होगी कि मुलेठी जो है, हजारों सालों से मुलेठी का सूखी खांसी में प्रयोग होता है। एक तो ये हमारे वायु की गति को नियंत्रित करती है, जो खांसी में खराब होती है उसको सेट करती है, और खाऊं खाऊं वाली जो खांसी, जिसे हम आम भाषा में कुत्ता खांसी बोलते हैं, वूपिंग कफ, वो इसमें बहुत बहुत अच्छा शांत करती है। और जो वसाका है, ये हमारी छाती को फुलाने में भी मदद करती है। जैसे यदि मैं सांस लेता हूं, कितना सांस मैंने अंदर लिया और कितना सांस मैंने बाहर छोड़ा,
यह हमारी छाती की हेल्थ पर निर्भर करता है। आप अपनी गाड़ी की सर्विस तो कराते रहते हैं, लेकिन छाती की और शरीर की सर्विस कोई नहीं कराता, है ना। तो आजकल जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारी छाती को भी एक एक केयर चाहिए कि इसके अंदर हम जो लंग्स का जो हेल्थ है वह ठीक ठाक रहे। यदि मैं सांस ले रहा हूं तो मैक्सिमम प्राणवायु अंदर जाएगा, जितना प्राणवायु अंदर जाएगा उतने ही हमारे प्राण जो है, हमारा ओज जो है, हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग है वह ठीक ठाक रहेगा। अगर ऑक्सीजन कम जाएगा तो ब्रेन काम कैसे करेगा। तो आपकी छाती की जो हेल्थ है वह बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोगों में, स्पेशली जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल शहरों में रह रहे हैं, वहां पर छाती में छाती की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। बहुत से लोगों को अस्थमा भी रहता है, है ना। बहुत से लोग स्मोकर्स भी हैं, बहुत से लोग जिनको COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो कहते हैं कि इसमें बहुत पुरानी साल, दो साल, तीन साल हो जाते हैं तो छाती खराब हो जाता है, ऐसे में ये रेस्पिरेटरी केयर बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो जो तीसरा द्रव्य है रेस्पिरेटरी केयर का वह सुरसा, सुरसा का दूसरा नाम है तुलसी। तो कॉम्बिनेशन हो गया, तुलसी सबको पता है पांच प्रकार का है, वन्य तुलसी है, ग्राम्य तुलसी है, श्यामा तुलसी है, अलग अलग प्रकार का तुलसी हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। लेकिन आप ये देखेंगे कि एम्बे कौन सा ऐसा काम कर रहा है जो कि बाकी कंपनीज से अलग उठता है। तो मेरी नजर में, मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए दोस्तों, तो मेरी नजर में मैंने देखा है कि देखिए आप जो बाकी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं सब में लिखा होगा तुलसी इतना, जीरा इतना, हल्दी इतना, लेकिन कोई भी ये मेंशन नहीं करता कौन सा प्रजाति, कोई मेंशन नहीं करेगा। लेकिन एमवे ही अकेला ऐसा है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग के जरिए मेंशन कर रहा है कि उसमें कृष्ण तुलसी ही ली गई है। कृष्ण तुलसी सबसे अच्छी तुलसी, पांचों तुलसी में से कृष्ण तुलसी सबसे अच्छी तुलसी बताई गई है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब जैसे हमारा एक आधार कार्ड होता है, हमारा एक अंगूठे का निशान होता है, उसी तरह पौधे, हर पौधे की प्रजाति का एक निशान होता है और वही चूज किया जाता है। तो एक बार फिर से खुशकिस्मत है, आप थैंक्स करिए चैट की जरा एमबीए की टीम को कि आप DNA फिंगरप्रिंटिंग जो कि बहुत कम कंपनीज कर रही है वे आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इसको ले कैसे, ये बात आप जरा ध्यान से समझिए। आप कॉम्बिनेशन में कैसे ले, जिन लोगों को नॉर्मल सिर्फ एक अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, जो स्वस्थ है, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी केवल इम्यूनिटी बढ़ानी है, वह आदमी तुलसी, एक गोली तुलसी का सेवन सुबह खाली पेट और शाम को अकेला इसे कर सकता है, दूध या पानी के साथ। जो मैंने आपको अभी नुस्खा बताया मौरी का, इलायची का और दालचीनी का, उसके साथ आप दूध को उबाल के उस दूध के साथ अकेली तुलसी का सेवन सुबह शाम यदि आप करेंगे तो एक स्वस्थ आदमी के लिए इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप स्मोकर हैं, ठीक है ना, और यदि आपके घर में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, यदि आपको भी खुद अस्थमा की प्रॉब्लम है और आपको COPD है जो बहुत ही पुरानी आपको छाती की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में लोग आप तुलसी और रेस्पिरेटरी केयर दोनों की गोलियों को एक साथ सुबह शाम ले सकते हैं। अब आप समझे, जो रेस्पिरेटरी केयर है वह इम्यूनिटी के साथ साथ रोगों का भी नाश करता है और हेल्थ को भी मेंटेन करता है। तो आप कॉम्बिनेशन बनाइए तुलसी का और रेस्पिरेटरी केयर का, जिन लोगों को पुराना अस्थमा का, नासाइनस का, गले बार बार खराब होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हर मौसम के बदलने के बाद खांसी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग लगातार रेस्पिरेटरी केयर और तुलसी का सेवन बच्चे भी कर सकते हैं। 5 साल का यदि आपका बच्चा है तो आधी गोली तुलसी की और एक गोली रेस्पिरेटरी केयर की आप बच्चों को शुरू कर सकते हैं दूध के साथ। तो यदि आपका बच्चा 12 साल से ऊपर है या 18 साल से ऊपर है और आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसी तरह फिर आप दो गोली सुबह और दो गोलियां शाम, ऐसे आप अपनी डोज को मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस इज द वे टू गो विद इट। सो अब आजकल हम जब बात कर रहे हैं कोविड की, कोरोना का बहुत डर लोगों के बीच में फैला हुआ है, तो पहले मैं ये बात बता दूं कि जो बच्चा, जो आदमी लगातार तुलसी का सेवन कर रहा है, उसे कोरोना जैसे बीमारी से डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वायरस का जो रोग है ये संक्रमण ही नहीं करेगा यदि आप तुलसी का सेवन कर रहे हैं। अगर हो भी जाए तो आप लिख के रख लीजिए, बहुत ही जल्दी आपका इफेक्ट आएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।
तो लोगों, जब हम आज कोरोना की बात कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दो ऐसे लोग जिनको पुराना शुगर का तकलीफ हो या फिर ब्लड प्रेशर का तकलीफ हो, उनके लिए यह बीमारी घातक सिद्ध हो सकती है, तो आप घर से बाहर ना निकले। तो जहां पर भी इसकी बात होगी, अगली बात हम करेंगे शुगर की, मधुनाशिनी की। हाँ जी, ये भावना ने पूछा है, रेस्पिरेटरी केयर में वसाका डलता है, मुलेठी डलता है और सुरसा डलता है, आप ध्यान से देखिए। उसी तरह जो अगला हमारा प्रोडक्ट आता है वह है मधुनाशिनी डायबिटीज के लिए, तो उसमें भी तीन द्रव्य डलते हैं। पहला है गुड़मार। गुड़मार लोगों, ये छोटा एक प्लांट होता है और ये इतना कड़वा, इतना कसैला होता है कि यदि आप इसके पत्तों को या टहनी को थोड़ा देर के लिए चबा लें तो 15-20 मिनट तक के लिए आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा, इतना कड़वा होता है। आप चीनी भी ऊपर से खा ले, आपको चीनी का अनुभव नहीं होगा, राइट। तो ये गुड़मार का जो बेसिक काम है वह हमारी शरीर में खून में बढ़ने वाली जो शुगर है, हाइपरग्लाइसीमिया है, उसको वो काटता है, उसको कम करता है। बहुत से लोगों में कभी कभी खाना खाने के बाद शुगर एकदम बढ़ जाती है, तो उसको काटने का जो कार्य है, उसको खत्म करने का जो कार्य है, वह गुड़मार करता है। तो जहां पर भी मैं जाता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि जो शुगर का लेना देना है वह हमारे मोटापे के मेटाबॉलिज्म के साथ है। जो आदमी थुलथुल होता है, मोटा होता है, एक्सरसाइज कम करता है, खान पीन का शौकीन ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को शुगर का बीमारी होने को बहुत तकलीफ, बहुत जल्दी रहता है। समझा मेरी बात? ऐसे लोगों को बीमारी जल्दी पकड़ता है। तो आप अपने बिजनेस के अंदर भी देखेंगे, कोई आदमी मोटा ताजा हो उसको पकड़ो पहले आप। तो आपका जो मधुनाशिनी वाला प्रोडक्ट है, ये उसी के लिए ही बना है। तो आप खुद देखेंगे कि हमारे शरीर में अग्नि होती है, पेट की अग्नि, डायजेस्टिव फायर होता है कि नहीं होता? होता ना। उसी तरह हमारे शरीर में धातुओं का भी अग्नि होता है। अरे दीपक, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप अभी क्वेश्चन लिखना बंद करिए, मैं अभी शुरू हुआ है, प्लीज मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आप क्वेश्चंस बीच में मत लिखिए प्लीज। तो हम बात कर रहे थे अग्नि की। तो लोगों, जब तक आपके शरीर का, पेट का अग्नि अच्छा काम कर रहा है, पाचन क्रिया अच्छा काम कर रहा है, तो आप स्वस्थ हैं। सर्वदा रोगो मंद अग्नि भवती, सारे के सारे जो रोग हैं वह मंद अग्नि, खत्म हुई अग्नि से पैदा होते हैं। और अग्नि को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अदरक। सभी लोग अदरक को पता है कि अदरक भी दो तरीके का होता है, एक फ्रेश अदरक और एक सूखा हुआ अदरक, जिसको हम शुंठी या हिंदी में सौंठ कहते हैं, सौंठ। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि सदा भोजन आग्रह सदा प्रथम लवण अदरक भक्षणम, कि भोजन करने से पहले जो आदमी अदरक और लवण का सेवन करता है उसकी पेट की अग्नि प्रदीप्त होती है, तभी जो शुंठी है, सौंठ है, यह हमारी पेट की अग्नि को प्रदीप्त करेगा। जो भी हम, यदि आप हजारों प्रोडक्ट्स खा रहे हो लेकिन अगर आपका पेट खराब रहता हो, पेट की अग्नि ठीक ना रहती हो, तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब तक पेट का अग्नि ठीक ठाक रहेगा, तभी बाकी प्रोडक्ट्स आप ठीक तरीके से ले सकते हैं। तो जो सौंठ है, शुंठी है, ये हमारे पेट की अग्नि को बढ़ाता है। और जब पेट की अग्नि ठीक होगी तो जो हमारे धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेद मतलब हमारा फैट टिश्यू, तो इनके टिश्यूज के अंदर भी एक अग्नि होती है जो आपस में बदलती रहती है। और इस अग्नि को संभालता है, वो है त्वक। त्वक मतलब दोस्तों दालचीनी। दालचीनी का एक पेड़ होता है और इस पेड़ के पत्तों को ही तेज पत्ता कहते हैं। हम दोनों के दोनों अपनी खाने में, अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। बंगाली क्यूजीन के अंदर भी दालचीनी और तेज पत्ता बहुत बहुत लोग लेते हैं, बहुत चलता है ना। तो त्वक का और दालचीनी का बेसिकली काम यही है, वे आपके धातु के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और जहां पर भी धातु का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वहां पर मोटापे में कमी आती है। तो दोस्तों, मधुनाशिनी आपकी शुगर के साथ साथ आपके मोटापे पर भी काम करता है। ले कैसे, किस समय लें, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो अगला प्रोडक्ट है त्रिफला, उसका मधुनाशिनी से बहुत लेन देन है। एक साथ मल्टीपल चीजों में जो त्रिफला है वो हम यूज करते हैं, तो हम त्रिफला और मधुनाशिनी का कॉम्बिनेशन साथ साथ लेकर चलेंगे। तो त्रिफला जो है, लोगों सबको पता है AVH, हरित की, विभीत की और आमल की। पहले हम बात करते हैं आमला के बारे में। आमला, लोगों, कई लोगों ने हमारे बीच यहां पर आमला, कच्चा आमला भी खाया होगा,
उस कच्चे आंवले के ऊपर सबने पानी पीकर देखो तो मीठा लगता है, ठंडा लगता है। अगर आपने आंवला, कच्चा आंवला कभी खाया हो, उसके ऊपर पानी पीकर देखे तो मिठास से अनुभव होती है। तो आंवले की तासीर दोस्तों ठंडी मानी गई है। इसी कर एमवे जो है त्रिफला को एज एन एंटा एसिड प्रमोट कर रहा है। जिन लोगों को खट्टी डकारें आती हों, जलन बहुत होती हो, छाती में पेट में जलन होती हो, ऐसे में त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। उसी के साथ लोगों त्रिफला में अगली चीज जलती है हरितकी, हरड़। हरड़ दोस्तों हमारी आंतड़ियों की इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है उसे फास्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जिन लोगों को कब्ज की तकलीफ रहती हो, जिन लोगों को सुबह उठ के मोशन ठीक ना आता हो, कब्ज हो, सारा ध्यान ही पेट की तरफ लगा रहता है, जिस दिन पेट साफ हो गया तो बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन पेट साफ नहीं होता तो दिमाग खराब हो जाता है ना। हमारे इंडियंस का हमारे पेट से बहुत ज्यादा इमोशन जुड़े हुए हैं, तो अगर पेट साफ है तो सब कुछ ठीक है, जिस दिन पेट साफ नहीं होता तो मूड भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। तो लोगों, लेकिन त्रिफला जो है मल्टीपल चीजों में यूज होता है, और इसका किस समय कैसे यूज किया जाए, वह अलग अलग चीजों में इसका इफेक्ट आएगा। कैसे, लिख लीजिए इस बात को। जिस आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो और बहुत ही मोटा हो, मेटाबॉलिज्म कम हो, ऐसे लोग त्रिफला और मधुनाशिनी सुबह खाली पेट गुनगुन जल के साथ ले सकते हैं। गुनगुना मीन्स ल्यूक वॉर्म वाटर। जिन लोगों का पेट बड़ा हो, थुल थुल हो, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता हो, ऐसे लोग मधुनाशिनी और त्रिफला सुबह खाली पेट ले सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज रहता हो, जिन लोगों को मोशन खुल के नहीं आता हो, ऐसे लोग त्रिफला एक से दो गोली शाम को दूध के साथ लेना चाहिए, क्योंकि दूध इटसेल्फ लैट्रिन खुल के लेकर आता है। तो वार्म मिल्क गर्म दूध के साथ दो गोली त्रिफला यदि आप लेंगे तो अगले दिन मोशन लैट्रिन खुल के आएगा। आप खुद इसको यूज करके देखिए। उसी तरह जिन लोगों का शुगर बॉर्डरलाइन हो, मतलब 140 रहता हो, या वो गोली खा रहे हो या ना खा रहे हो, तो बॉर्डरलाइन शुगर रहता हो, ऐसे लोग भी मधुनाशिनी और त्रिफला का सेवन सुबह को खाली पेट कर ले या फिर दोपहर और रात भोजन से पहले कर सकते हैं। मधुनाशिनी का सेवन भोजन से पहले करने का तुक ये बनता है कि बहुत से ऐसे शुगर के मरीज होंगे जो गोली खा रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे लोग जो कि शुगर से पीड़ित हो ये लेकिन गोली खा रहे हो और शुगर कंट्रोल्ड हो, तो ऐसे लोग मधुनाशिनी का सेवन दोपहर और रात भोजन से पहले करें। यदि आपका शुगर अनकंट्रोल्ड हो, 250 रहता हो, 300 रहता हो, तो ऐसे लोग मधुनाशिनी का सेवन दिन में 4 बारी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर आप भोजन से पहले करेंगे तो मधुनाशिनी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन इसके साथ साथ अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट करिए, ये बहुत जरूरी है। अकेला, क्योंकि ये हेल्थ सप्लीमेंट्स है और ये दवाइयां नहीं है, औषधियां नहीं है, बट अगर आपका शुगर बहुत बढ़ता रहता हो, कंट्रोल ना होता हो, तो आप लगातार इनका सेवन करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब कुछ ही इसके ऊपर मत छोड़ दें। डेफिनेटली ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इनका सेवन करें और साथ ही साथ अपने एलोपैथिक मेडिसिन का भी सेवन करते रहें। लेकिन एक बात है दोस्तों, इसका इफेक्ट एकदम नहीं आएगा, ये धीरे, आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होती हैं इनका इफेक्ट धीरे 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 आपकी बॉडी के ऊपर आना शुरू होता है। तो यदि आप मधुनाशिनी आज लेंगे और आप एक्सपेक्ट करते हैं एकदम चीनी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाइपोग्लाइसीमिया होने में 3-4 दिन 5-6 दिन भी लग जाते हैं उसका इफेक्ट आने के अंदर। हाई शुगर में एक बिल्कुल ले सकते हैं सर, अगर आपका शुगर हाई रहता है तो त्रिफला और मधुनाशिनी एक साथ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जब हम शुगर की बात कर रहे थे, हमारा जो अगला द्रव्य, हाँ, इसके साथ साथ यदि आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो तब भी आप अपना त्रिफला का सेवन करें। यदि आपका एसिडिटी, खट्टे डकार का प्रॉब्लम रहता हो, तो अकेला त्रिफला जो है वह आप भोजन से पहले, दोपहर और रात भोजन से पहले, लंच और डिनर से पहले आप ले सकते हैं, तो एसिडिटी नहीं होगा। प्रदीप महातो जी पूछ रहे हैं कि इंसुलिन वाले, बिल्कुल मैंने आपको बोला ना कि यदि आप इंसुलिन ले रहे हैं और शुगर आपका कंट्रोल्ड है और मधुनाशिनी का सेवन यदि आप शुरू करते हैं तो आपकी ग्रेजुअल यूज के साथ साथ इंसुलिन की डोजेस में भी कमी आ सकती है। और प्रसन्नजीत
पूछ रहे हैं कि त्रिफला का सेवन कॉन्स्टिपेशन में कैसे करें। मैंने आपको बोला कि दो गोली त्रिफला आप दूध के साथ शाम को 6-7 बजे ले तो अगले दिन का 12 घंटे का बाद जो मोशन आता है वो खुल के आएगा। तो दोस्तों अगला जो द्रव्य है वह हम उसकी बात करेंगे अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा भी बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पवन चौधरी, यस बिफोर फूड यू हैव टू टेक फॉर एसिडिटी, यस त्रिफला। तो अब जो हम आगे बात कर रहे हैं अश्वगंधा की, देखिए दोस्तों अश्व कहते हैं घोड़े को और गंध कहते हैं खुशबू। तो जो हर्ब, जो जड़ी बूटी आज से आपको घोड़े का खुशबू आए और जो आपको घोड़े के सम्मान बना दे उसे अश्वगंधा बोला गया है। अश्वगंधा परम वाजी वाजी गंधा, मतलब वह एक बुढ़ापे का मित्र है। ये हर्ब लोगों, ये जड़ी बूटी, ये औषध एक बूढ़े इंसान का मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो जिस आदमी की उम्र 45-50 साल के आसपास हो गई हो वह अश्वगंधा का सेवन आज से ही शुरू कर सकता है, बहुत इफेक्टिव है। अश्वगंधा को शास्त्रों में नरवाइन टॉनिक बोला गया है, नसों की ताकत देता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जिनको शुगर का बीमारी हुआ है उनकी नसों में कमजोरी पन आना शुरू हो जाता है, सेक्स में कमजोरी पन आना शुरू हो जाता है, और तो पैरों में झनझनाहट होता है, जलन होती है, सेक निकलता है। तो ऐसे में अश्वगंधा का सेवन बहुत अच्छा आराम लेके आता है हमको। और आप देखेंगे कि बहुत बुजुर्ग लोगों में भूलने का बीमारी हो जाता है, आए मैं क्या बात कर रहा था, चाबी कहाँ रखा है, गाड़ी चलाते हुए जाना किधर है, इस आदमी का नाम क्या है, है ना। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको जो एट द स्पॉट याद रहनी होती है ये याद नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए भी परम औषध है अश्वगंधा। ब्राह्मी यहां काम नहीं करेगा, अश्वगंधा काम करेगा। अश्वगंधा लोगों, मैंने बताया था दोस्तों, ये एक सेक्स की दवाई भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों के शुक्राणु कम हो गए हों, जिनका स्टेमिना कम हो जाता है, वहां पर भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, आपको घोड़े की तरह फुर्तीला बनाता है, राइट। और हाँ, इसको मेल और फीमेल दोनों के दोनों अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में भ्रम रहता है कि अश्वगंधा फीमेल्स नहीं खा सकती, नहीं ऐसा नहीं है। जिन लेडीज को गठिया रहता हो, जोड़ों में घुटनों में दर्द बहुत रहती हो, उसमें भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अश्वगंधा आपकी आपकी जोड़ों में जो सोजिश है, जो सूजन है, उसे कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है ना। और अश्वगंधा का जो सेवन सेवन है वह दूध के साथ करेंगे तो ट्रेमेंडस आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसके अंदर, राइट। तो मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। अश्वगंधा का सेवन आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी। और बहुत से लोग पूछते हैं कि बीपी में, ब्लड प्रेशर में, मैं ये एक ही बार बोल रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा, सुन ले ध्यान से। ब्लड प्रेशर में हाँ अश्वगंधा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और जिन लोगों को बीपी रहता है, ध्यान से सुनिए, वैसे तो किताबों में लिखा गया है कि अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को सम करता है, स्टेबल करता है, घटे हुए बीपी को बढ़ाता है और बढ़े हुए बीपी को घटाता है। लेकिन जिन आदमियों का बढ़ा हुआ बीपी हो वह ध्यान से इसका सेवन करें, कैसा इफेक्ट आ रहा है ये शरीर ही आपको बताएगा। यस, हॉट मिल्क के साथ विक्रमादित्य जी। तो जैसे कोई गर्म स्वभाव का आदमी है, कोई पित्त प्रकृति का, गुस्सैल आदमी बहुत ज्यादा हो, पित्त प्रकृति का हो, ऐसे लोगों को अश्वगंधा का सेवन कम से कम करना चाहिए। लेकिन यदि कोई मोटा हो, मोटा ताजा हो, सहज हो, शांत आदमी हो, या बिल्कुल पतला हो, क्रुश हो, ऐसे लोगों में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, समझे बात को। जैसे हमारी बहन जी है या क्या कहते हैं दीदी है हमारी, तो दीदी हमेशा गुस्से में रहती है, बंगाल में हमेशा गुस्से में रहती है, उसको अश्वगंधा खराब करेगा। तो ऐसे लोगों को अश्वगंधा ध्यान से लेना चाहिए, ममता दीदी। तो लेकिन जो मोटा ताजा है, शांत स्वभाव का रहता है, तो ऐसे लोगों को अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करेगा। या बहुत ही पतला हो, क्रिश हो, सुखड़ा हो, मांस ना चढ़ता हो शरीर पर, ऐसे लोगों में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। तो पित्त प्रकृति वालों को अश्वगंधा ध्यान से लेना चाहिए। आप अश्वगंधा कुलदीप जी कभी भी ले सकते हैं। आप 18 साल से ऊपर आदमी, सपोज को युवा है, स्पोर्ट्स में उसका शौक बहुत हो, स्टेमिना इंक्रीज करना हो, फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, वॉलीबॉल खेलता हो, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी अश्वगंधा यूथ में बहुत अच्छा काम करता है। आप 18 साल से ऊपर अश्वगंधा दे सकते हैं। मैं 35 साल का हूं, मैं भी अश्वगंधा खाता हूं। ये बहुत अच्छी हर्ब है, परम मित्र है बुढ़ापे की, आपके बुढ़ापे को रोकेगा।
आपके मेंटल प्रोक्लिविटी को ठीक रखेगा, इसको लीजिए। अब लोगों, असली जो अगला जो द्रव्य आता है वह भी अश्वगंधा से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है भ्रामी। भ्रामी का सबको पता है कि जो हमारे बंगाली मित्र हैं वहां पर, जैसे पंजाब से हूं मैं, पंजाब में सरसों का साग बनता है, वैसे बंगाल में उसके आसपास के इलाकों में भ्रामी का साग भी बनता है। बहुत से लोग भ्रामी का साग बनाकर खाते हैं बंगाल में। तो सबको पता है कि जो भ्रामी है वह हमारे दीपांकर जी, सबके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो लोगों, भ्रामी जो है वह हमारी कंसंट्रेशन पावर और हमारे फोकस को बढ़ाता है, बहुत जरूरी है ये बात सुनना जरा। तो जिन बच्चों में कंसंट्रेशन ना हो, यस जय भोले जी, जिनको बहुत गुस्सा, एंग्री मैन शुड नॉट टेक अश्वगंधा। तो जिन लोगों को, जिन बच्चों में मेमोरी पावर कम हो, ग्रास्पिंग पावर कम हो, कंसंट्रेशन बहुत कम हो, तो ऐसे में भ्रामी बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों को सुबह आप खाली पेट दूध के साथ दें, और यदि बच्चा बहुत ही पतला हो, बच्चे की न्यूट्रिशन पावर कम हो, तो ऐसे में भ्रामी यदि आप घी के साथ देंगे तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट्स आते हैं। पुराने समय में भ्रामी का जो योग है वह घी के साथ ही दिया जाता था, घी या अथवा मलाई, दूध की जो मलाई होती है, लेकिन घी के साथ आप भ्रामी को पीस कर, भ्रामी की जो गोली है उसको पीस कर आप घी के साथ अपने बच्चों को दीजिए। तो जिन लोगों का बच्चे बहुत पतले हों, भूख खाना ना खाते हों, इम्यूनिटी, और यहां पर इम्यूनिटी भी बहुत, भ्रामी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपका फोकस और घी अंदर जा रहा है, ताकत न्यूट्रिशन अंदर जा रहा है, तो आप भ्रामी का सेवन बच्चों में घी के साथ दीजिए। ये मेरा प्रैक्टिकल, मेरा जो अनुभव है, हजारों सालों से मेरा फैमिली आयुर्वेद से काम कर रहा है, और बहुत से लोगों में हम जो भ्रामी है घी के साथ ही देते हैं बच्चों में, आप दूध के साथ भी दे सकते हैं। अब यही भ्रामी यदि आप रात को लेंगे, बहुत से ऐसे लेडीज हैं जिनका हमेशा रात को सोते हुए प्रॉपर नींद नहीं आता, जिसे हम कच्चा नींद कहते हैं, दिमाग में चलता रहता है, सुबह नाश्ता क्या बनाना है, बच्चों का नाश्ता पैक करना है, खाने में क्या बनाना है, हस्बैंड के साथ लड़ना कब है, कब नहीं लड़ना, तो ये दिमाग में चलता रहता है ना। तो लेडीज का दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आती है, फ्रेश नहीं उठा जाता। तो ऐसी लेडीज अश्वगंधा और भ्रामी का एक साथ सेवन रात को यदि करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो रात को सोने से पहले नींद की गोली खाते हो, ऐसे लोग यदि भ्रामी और अश्वगंधा सोने से 2 घंटे पहले शुरू कर दें, तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि 10-15 दिन के अंदर आपका जो नींद वाला गोली है वह हट जाता है। बहुत इफेक्टिव है भ्रामी और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन। रात को सोने से 2 घंटे पहले यदि आप ये 2 गोलियां लेंगे, और इसका इफेक्ट भी अच्छा है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, आदत भी नहीं पड़ेगा, एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। तो अगला जो इफेक्ट भ्रामी दोस्तों वो आता है लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम है। जिन लेडीज को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, मोटापा, मोटे होने वाला थायराइड, उसमें भ्रामी T3 T4 को बढ़ाता है। हाँ, सुब्रता साहा विद मिल्क डेफिनेटली, अदरवाइज आप वाटर सब भी ले सकते। तो भ्रामी का अगला इफेक्ट आपके थायराइड के ऊपर आता है, बहुत इफेक्टिव है। तो आप देखिए किस तरह यहाँ पर आप बदल रहे हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन हुआ हो या एंग्जाइटी बहुत रहता हो, हाय घबराहट, बेचैनी होता है, हाय अब क्या करना है, जहां भी उच्छृंखलित भागने का मन करता है ना, ऐसे बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे जो बात भी तेज 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 करते हैं, बहुत ज्यादा हमेशा दिमाग में तेजी रहता है, एंग्जाइटी रहता है, तो ऐसे लोग भी भ्रामी और अश्वगंधा का यदि आप सेवन करेंगे तो दिमाग में शांति उत्पन्न होती है। हाँ, डिप्रेशन में आप अश्वगंधा ही देना चाहिए, डिप्रेशन की बहुत अच्छी दवाई है अश्वगंधा, तो आप दे सकते हैं अश्वगंधा और भ्रामी का कंबाइन करके दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर पवन चौधरी जी, हाँ जी, जेंट्स में भी काम करेगा। तो दोस्तों यहां पर पूरी जो पिक्चर खड़ी होती है वह 5-6 लक्षण जो है, 5-6 सिम्टम है, आयुर्वेद एक स्वस्थ पुरुष कैसे रहे उसके बारे में बताए गए हैं। पहला है अशुक्तस्य परिपाकः सुखेंच, कि आप जो खाना खा रहे हैं वह बिना किसी प्रॉब्लम के पच जाए और आपको हल्कापन महसूस हो। फिर आता है श्रिष्ट विंड मूत्र वातत्व शरीरस्य दुर्लाघवम, कि आपने खाना खा लिया, खाना पच गया, उसके बाद जो मल मूत्र स्वेद है जो हमारे शरीर में बनता है वह ठीक ठाक बने और ठीक ठाक उसका निष्कासन हो, ठीक ठाक बाहर निकले शरीर से।
अगला आता है सुप्रसन्न इंद्रत्वम च, मतलब आपका मन खुश रहे, आपकी जो सेंसेस हैं वो ठीक ठाक काम करें, मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, ठीक ठाक बोल रहा हूं, मन पॉजिटिव रहे। देन कम्स सुख स्वप्न प्रबोधकम, कि आपकी रात की नींद अच्छी हो और सुबह फ्रेश उठे। तो आप लोगों को खुशकिस्मत है कि एमबे इन सारी लक्षण को कवर करके ही आपके पास प्रोडक्ट्स लेकर आया है जो कि लक्षणों को कवर करता है। और जिस आदमी के ये लक्षण हैं जो मैंने आपसे बात करे हैं, वही स्वस्थ है, उसी की इम्यूनिटी ठीक ठाक काम करेगी, राइट। तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले अपने शरीर का पालन करिए। शरीर सर्वमन्यत परितज्य शरीरम मनुपालयत तद्भाव ही भावनम शरीर भारणम। तो यद जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ किस कोई कुछ भी नहीं रहेगा। तो सारे काम छोड़ के पहले शरीर का पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। मेरा आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई, धन्यवाद, प्रणाम। अब आपके प्रश्न के उत्तर देने में आ रहा आर्थराइटिस में दीपांकर जी पूछ रहे कि आर्थराइटिस में अश्वगंधा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। आर्थराइटिस में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का वायु का रोग हो, वायु का रोग मतलब घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होना, पैरालिसिस की तकलीफ होना, पार्किंसन होना, तो ये वायु के रोग है, तो इसके अंदर आप अश्वगंधा दे सकते हो। और चित्र खांडेल पूछ रहे हैं हम क्या कैन वी टेक ऑल दी सप्लीमेंट्स टुगेदर? बिल्कुल, आप सारे के सारे सप्लीमेंट्स एक साथ भी ले सकते हैं, इनको डिवाइड करके भी ले सकते हैं, तीन चार सुबह ले लिए, तीन चार शाम ले लिए, राइट। पापिया जी यू कैन ऑल्सो प्लीज हेल्प मी आउट विद द क्वेश्चंस। सर काफी सारे क्वेश्चन आ रहे जो बार बार पूछ रहे कि हाई अगर बीपी हुआ तो क्या लेना चाहिए, का प्रॉब्लम है तो उसमें क्या अश्वगंधा ले सकते हैं? यूरिक एसिड में अश्वगंधा ले सकते हैं, बट अश्वगंधा का यूरिक एसिड में कोई इफेक्ट नहीं है। यूरिक एसिड के लिए गिलोय आता है, गिलोय आप यूज कर सकते हैं, त्रिफला कर सकते हैं, बट अश्वगंधा डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन यूरिक एसिड। माइग्रेन का प्रॉब्लम है उसमें कौन सा सप्लीमेंट लिया? माइग्रेन में मैंने आप हर जगह बोलता हूँ कि ब्राह्मी का सेवन आप पतले दूध के साथ करें, मतलब दूध और पानी मिक्स करके, दूध को चिल्ड करके उसके साथ ब्राह्मी का सेवन करें, ठंडा करके। ठंडा दूध इज ऑलवेज गुड फॉर माइग्रेन। सलीहा अली ने क्वेश्चन किया है साइनस और एलर्जी में क्या ले उनको? साइनस और एलर्जी में बहुत, साइनस और एलर्जी में देखिए मैं हमेशा ये लोगों को बताता हूं कि तुलसी और रेस्पिरेटरी केयर को एक साथ आप दूध के साथ लें, जो मैंने आपको योग नुस्खा बताया हुआ है, और नाक में घी डालें, तीन चार बूंदे रात को सोने के समय एक नाक में और दूसरे नाक में आप घी डालें, तो साइनस के प्रॉब्लम से बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलता है। थैंक यू सर। अगर दूध में अश्वगंधा जैसे बोल रहे हैं तो किसी को अगर दूध हजम नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे वो क्या ले? तो जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता है वह तो यदि पानी ले सकते हैं पानी ले ले, लेकिन जो मैंने नुस्खा आपको बताया है इलायची और दालचीनी का, ये दूध को हजम बहुत अच्छा करता है। जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस रहता है, दूध पीने से गैस होता है, ऐसे लोग मोरी इलायची और दालचीनी लें तो लैक्टोज पच जाता है। ओके थैंक यू सर। मधुनाशिनी सुनती तो आख जो है, अच्छा वो क्वेश्चन चला भी गया, ना जल्दी जल्दी आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म में जो प्रॉब्लम है उसमें क्या अश्वगंधा तो ठीक रहेगा ही, और क्या ले सकते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी ब्राह्मी को बताया था, वो हाइपोथायरॉयड जो मोटे करने वाला थायरॉयड होता है उसमें ब्राह्मी काम करता है, और यदि आपको हाइपरथायरॉयड है तो आप अश्वगंधा अवश्य ले सकते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉयड पतला करता है, कृश करता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ही पतला सुपड़ा हो, हाइपरथायरॉयड हो तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं। किन्हीं को सर्विकल का प्रॉब्लम है, सर्विकल इशू दे रहे, सर्विकल प्रॉब्लम? सर्विकल इशू है, आप एक्सरसाइज करिए, योगा प्राणायाम करिए, अश्वगंधा ले सकते हैं। इट इज अ पोस्टरल डिफॉर्मिटी, तो उसी से आप सर्वाइकल दूर करें। एक आदमी ने सवाल पूछा हुआ था यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट था, नोज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो। हाँ, नोज ब्लीडिंग में आप जो रेस्पिरेटरी केयर है वसाका, देखिए वसाका नोज ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पहली बार किसी ने सवाल पूछा है, जो वासा है हमारे आयुर्वेद में नोज ब्लीडिंग का सर्वप्रथम औषध बोला गया है,
तो आप उसको लीजिए और अश्वगंधा ना लीजिए। अश्वगंधा नहीं लेना, रेस्पिरेटरी केयर लेना है तो उसमें भी आपको अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। अब पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ये क्या ले सकते हैं? पीसीओडी का मैंने आपको बताया इट इज अ स्पेशलाइज्ड डिजीज, तो आप बेटर है कि आप बाद में मुझे मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप साथ साथ त्रिफला शुरू कर सकते हैं, गर्म पानी का सेवन करें, लाइफ स्टाइल ठीक रखें, जंक फूड कम खाएं, तो पीसीओडी उन्हीं को ही होता है जो ये सारा काम करते हैं। फॉर सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स व्हाट टू टेक? फॉर सिज़ोफ्रेनिया ब्राह्मी और अश्वगंधा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप घी के साथ दीजिए सिज़ोफ्रेनिया में। काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, जिसमें लिख रहे पाइल्स के लिए हम क्या खा सकते हैं? पाइल्स, पाइल्स देखिए, पाइल्स तभी होता है यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहा हो और या मिर्च मसाले बहुत खाते हो। तो जिन लोगों को पाइल्स होता है उसमें त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। आप अपना मिर्च मसाले कम करें, चाय कम करें, कॉफी कम करें और त्रिफला दो गोली शाम को सेवन करें और हॉट टब बाथ, टब में हॉट टब में बैठ के सिट्स बाथ लें तो पाइल्स के लिए अच्छा रहेगा। I think they got their answer. Nasal polyp के लिए क्या ले सकते हैं? Nasal polyp आपको आगे जाके sinus ही करता है, तो तुलसी और respiratory care combination आप सुबह शाम लें, nasal polyp में help करेगा। Sir, next question है रंजन दत्ता, उन्होंने किया है कि मधुनाशिनी सुनती त्वक, is there an impact on visceral fat? Yes, definitely it has an effect. जहां पर भी शुंठी और त्वक होंगे, they will, त्वक definitely has an effect on the visceral fat. Blood, sir, I am a sugar patient and I take madhunashini and now sugar level is in control. Should I continue it? Yes, very good. That is MV वालों के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज भी है। Definitely right, you should continue it. Epilepsy के लिए क्या ले सकते हैं? एपिलेप्सी के लिए ब्राह्मी और अश्वगंधा का सेवन करें एंड कंटिन्यू विद योर एलोपैथिक मेडिसिन, उसे रोके मत। पीसीओडी का काफी सारा हम आंसर हम दे भी चुके हैं, माइग्रेन का भी हम दे दिए हैं सर। हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल, वेरी गुड क्वेश्चन। हेयर फॉल के लिए देखिए, आप जितना भी आप अपना यदि कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू या आयुर्वेदिक तेल देखते हैं तो उसमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट लिखा होता है या शिकाकाई होएगा या आंवला होएगा। तो जिसमें भी आंवला डलता है वह हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिसमें आंवला किसमें डलता है? त्रिफला में। तो त्रिफला का सेवन सुबह शाम करें, आपके हेयर फॉल में अच्छा काम करेगा, बिकॉज आंवला इज फुल ऑफ विटामिन सी एंड आयरन, तो आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा। राइट, सो वी विल टेक 5 मोर क्वेश्चंस। बहुत जन क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार आ रहा है ये चीज, प्रोस्टेट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें क्या ले सकते हैं? प्रोस्टेट के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, दीज प्रोडक्ट्स जो एमवे के हैं दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन दी प्रोस्टेट। फॉर हे फीवर, ओके, हे फीवर आया है किन्हीं को, तो वो प्रॉब्लम हे फीवर, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द डिजीज, राइट? सो आप हे फीवर अगर आपको, यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। राइट सर। किरण मिश्रा, मोटा लोग मधुनाशनी ले सकते हैं जिनको सुगर ना हो? अरे मैंने बोला बिल्कुल ले सकते हैं, मधुनाशनी और त्रिफला एक साथ सुबह खाली पेट ले मोटे लोगों के लिए। 8 इयर्स सॉन ब्राह्मी क्या ले सकते हैं? किसमें? 8 साल का बच्चों के लिए ब्राह्मी बिल्कुल ले सकते हैं, 5 साल से ऊपर बच्चे को ब्राह्मी दे सकते हो। अर्णव पाल, पैंक्रियस ग्लैंड में स्टोन के वजह से पैंक्रियस ग्लैंड बॉडी से निकाल दिया गया है, अभी इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इसमें एमवे के कौन सा सप्लीमेंट वर्क करेगा? त्रिफला। फ्यू मोर क्वेश्चंस सर, 2-3 लेंगे अभी। एनीथिंग फॉर सोरियासिस? देखिए अगर सोरियासिस का कहीं पर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में अवेलेबल है वो सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास है। नो डाउट इस इन इन प्रोडक्ट्स में सोरियासिस का कोई द्रव्य नहीं है, बट इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस, इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट अ गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर इन योर सिटी। अपने शहर में किसी अच्छे वैद्य के पास जाइए, और मेरा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट हम सोरियासिस में देते हैं। सुबह से शाम तक हम बहुत केसेस देखते हैं सोरियासिस के, और इसका रेकरेंस है वो भी हम रोकते हैं, तो आप प्लीज गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इन योर सिटी। राइट, दे गॉट देयर आंसर। अमित राज, आई में जलन है और हेड पेन में क्या कर सकते हैं? त्रिफला।
आईज के लिए त्रिफला बहुत अच्छा है। सर्विकल वाला आंसर हम दे चुके हैं ऑलरेडी, किडनी स्टोन के लिए क्या यूजफुल रहेगा? किडनी स्टोन में आप पानी खूब पीजिए, जो खारा सोडा हो सकता है वो आप लीजिए, तो दे विल हेल्प इन इन योर किडनी स्टोन्स, बट टेक एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे। ओके लास्ट क्वेश्चंस, चेस्ट पेन के लिए क्या लेंगे सर? चेस्ट पेन के लिए आप मधुनाशिनी दीजिए उनको, बट चेस्ट पेन बहुत कारण करके होती है, लेकिन आप पहले एक उसका जो रीजन है उसे एवेल्युएट करिए। चेस्ट पेन पेट में गैस करके भी होता है, छाती में प्रॉब्लम होने करके भी हो सकता है, सो इट इज गुड कि आप पहले इवेल्युएट करें प्रॉब्लम क्यों है, उस हिसाब से फिर मालूम करेंगे। सर नर्व प्रॉब्लम का अगर आप बोलना चाहो तो कुछ नर्व इशू आ रहा है? प्रॉब्लम में मैंने आपको बोला था सबसे अच्छा डरवाइन टॉनिक अश्वगंधा है, आप अश्वगंधा का सेवन नर्व प्रॉब्लम में दूध के साथ करेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। I think that's enough, Papi ji. Yes, sir. That's enough from your side and our side also. Thank you so much. काफी सारे questions का मिल गया लोगों को जवाब सर की तरफ से, and बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ join करने के लिए।